Hey, what is up guys? This is Kettri Gamer and welcome back to a new video. तो दोस्तों अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि PUBG मोबाइल में आपका सबसे पसंदीदा मैप कौन सा है, तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि 80% लोग जो है वो एरेंगल मैप ही कहेंगे। तो उन्हीं एरेंगल लवर्स के लिए इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एरेंगल मैप में अपकमिंग अपडेट के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जो एरेंगल मैप है इसमें गेम प्ले करना तो सभी को पसंद है, लेकिन इसी मैप में दिन बर दिन जो बग्स और ग्लिचेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें से आपको डोर और कार ग्लिच तो पता ही है, ऐसे और भी बहुत सारे ग्लिचेस और बग्स के लिए जो ओवरऑल गेम प्ले है वो बहुत ही लो क्वालिटी का हो जाता है और गेम प्ले करने में भी बहुत ही परेशानी होती है। तो इसीलिए कुछ प्लेयर्स ने पबजी वालों के पास एरेंगल मैप को लेकर कंप्लेन कर दिया है और आखिरकार जो पबजी वाले वो एरेंगल मैप के लिए एक नया अपडेट लेके आएंगे, जिससे कि जो मैप है उसमें से बग्स और ग्लिच निकालने की वजह यहाँ पर कंपनी ने उस मैप को रीडिजाइन करने के बारे में सोचा है। तो ये जो अपडेट है मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है, क्योंकि जो एरेंगल मैप है वो पबजी का सबसे पुराना मैप है और उसे आए हुए लगभग एक साल हो गए हैं, फिर भी वो मैप अभी तक प्लेयर्स के सबसे पसंदीदा मैप है और जो नया अपडेट आ रहा है इससे लगता है कि एरेंगल मैप खेलने का मजा दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई भी न्यूज नहीं है इस अपडेट के बारे में, लेकिन यहाँ पर जो पबजी के डेवलपर्स है वो इस अपडेट के रिलेटेड कुछ लीक्स दिए हैं। तो इन लीक्स को देख के ये पता चल रहा है कि जो अपडेट आ रहा है इसमें तीन चीजों के ऊपर जोर दिया गया है। तो सबसे पहले जो बग्स और ग्लिचेस है उन्हें दूर किया जाएगा और एक फ्रेश गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा एरेंगल मैप में। तो इससे जो गेम प्ले है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और आप किसी भी डिवाइस में किसी भी सेटिंग्स को अप्लाई करके एक स्मूथ गेम प्ले कर पाएंगे। तो दूसरे जिस चीज के ऊपर यहाँ पर जोर दिया गया है वो है लूट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है पबजी के मोस्ट पॉपुलर लूटिंग एरियाज लाइक जॉर्जापुल, मिलिट्री बेस, कोचिंग की, यहाँ पर आप पहले जैसे लूट नहीं मिलते, मतलब लूट के लिए आपको बहुत जगह भटकना पड़ता है फिर आपको जाके अच्छा लूट मिलता है। तो ऐसे ही सब पॉपुलर जगह के जो लूट है बढ़ाया जाएगा और जो नॉर्मल एरिया है वहाँ पर भी एक्स्ट्रा लूट डाले जाएंगे। तो ये जो है आपको नए अपडेट में मिलेगा और लूट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है नए एरेंगल मैप में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो तीसरा अपडेट आपको देखने को मिलता है नए एरेंगल मैप में वो है बिल्डिंग के रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है नए कुछ बिल्डिंग्स ऐड किए जाएंगे और वैसे ही पुराने कुछ बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स जो है उन्हें चेंज किए जाएंगे। तो ओवरऑल मैप में जो लूट कैपेसिटी है उसे बढ़ाने के लिए यहाँ पर नए बिल्डिंग्स को ऐड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एरेंगल मैप के न्यू अपडेट रिलेटेड एक लीक इमेज आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर एरेंगल मैप में रेड डॉट किए गए हैं और इन्हीं रेड डॉट किए हुए जगह पर आपको नए बिल्डिंग्स जो है देखने को मिलेंगे और जो लूट इंक्रीज किया जाएगा वो आपको इन्हीं बिल्डिंग में देखने को मिलेगा और बिल्डिंग के अंदर भी आपको कुछ चेंजेस जो है देखने को मिलेगा और इससे जो है गेम रिलेटेड जो फील है वो और भी बढ़ जाएगा। तो इस नए अपडेट के रिलेटेड इन तीन लीक्स के बारे में अभी तक पता चला है और ये जो अपडेट है ये पीसी वर्जन में जल्द से जल्द कर दिया जाएगा और उसी के बाद जो है ये नए एरेंगल मैप आपको मोबाइल वर्जन में भी देखने को मिल जाएगा। तो इन फ्यूचर अगर इस अपडेट के रिलेटेड कोई भी लीक्स मुझे मिलता है तो मैं वीडियो के जरिए आप तक बहुत जरूर पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिए और इस नए अपडेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट में बताइए और गेटरेडी गेमर चैनल के फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज गेट रेडी गेमर साइनिंग ऑफ।